बार जीरे की बुआई कमजोर देखने को मिल रही है। खराब मौसम के चलते फसल में गिरावट आ सकती है। जीरे की पाइपलाइन लगभग खाली है। मार्केट में एक्सपोर्ट की बातें चल रही हैं, जिससे मार्केट का सेंटीमेंट पहले से सुधरा है और पूछताछ भी बढ़ी है। कारोबारी जीरे में आगे तेजी का ही रुझान बता रहे हैं। विदेशों में जीरे का उत्पादन कम बताया जा रहा है, जो डिमांड को पूरा करने में नाकाम साबित हो सकता है। भारत में शादी सीजन है और फिर आगे रमजान और होली भी है, जिससे मसालों को सपोर्ट मिलता रहेगा। बाजार के जानकार केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया का जीरे पर कहना है कि जीरा मार्च वायदा 19,000 के आंकड़े को पार कर चुका है और आने वाले कुछ ही दिनों में 20,000 के भी स्तर पर पार कर सकता है। वहीं 12 जनवरी से 20 फरवरी के बीच मसालों में जबरदस्त तेजी बनेगी। मार्च में नया मसाला आ जाएगा, जिससे मार्केट में गिरावट भी जरूर देखने को मिलेगी। लेकिन जो कारोबारी और निवेशक जीरे में खरीदारी में पहले पिछड़ गए थे, उनको इस मौके का फायदा जरूर उठाना चाहिए। अजय केडिया का कहना है कि विदेशों में जीरे का उत्पादन डिमांड को पूरा नहीं कर पाएगा। वहीं भारत में भी जीरे की बुआई इस बार कमजोर ही रही और पाइपलाइन भी खाली है, जिससे जीरे में तेजी का ही रुझान देखने को मिल सकता है। अजय केडिया के अनुसार जीरा मार्च तक 21,500 से 22,000 तक के स्तर दिख सकता है। वहीं मार्च में नया माल आ जाएगा, जिससे मार्केट नीचे गिरती दिखाई देगी, लेकिन खरीदारी भी बनेगी, जो जीरे की कीमतों को जुलाई अगस्त तक 25,000 के लेवल तक ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।